सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत जहां से हुई थी, हम इस वक्त उसी स्थान पर मौजूद हैं। इस हिंसा ने न सिर्फ एक बड़ा नुकसान किया बल्कि कई गरीबों का भी इसमें बड़ा नुकसान हुआ। ये वो आरोपी का घर है जहाँ से शुरुआत हुई थी। इसी घर के ऊपर राम गोपाल चढ़कर झंडे को लगा रहा था, जिसके बाद बहराइच में एक बड़े दंगे ने रूप ले लिया। अब धीरे धीरे ये जो घटनाएं हैं, ये जो दंगा है, बहराइच में शांत हो रहा है। लेकिन अब इसी शांत घटनाओं के बीच में अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर एक नई मुसीबत आ गई है। PWD की तरफ से 23 घरों के ऊपर नोटिस लगाई गई है। वो नोटिस इस बात की ये अवैध निर्माण है, अब इनको बुलडोजर इनके ऊपर चलेगा, इनको तोड़ा जाएगा। इसमें से 3 हिंदू के घर शामिल हैं और अगर बात की जाए मुस्लिमों के तो 20 मुस्लिमों के घर शामिल हैं। इसमें से सिर्फ एक घर उस आरोपी का है, अब्दुल हमीद का, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। बाकी जो घर हैं उनसे इस घटना का कोई वास्ता नहीं था। हम आपको दिखा दें किस तरह से लोगों ने अपने हाथों से इन मकानों को तोड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि जब प्रशासन इस पर बुलडोजर चलवाएगा तो बुलडोजर चलवाने का जो खर्चा आता है वो भी इन्हीं से लेगा। इस डर से लोगों ने अपने हाथों से अपने मकानों को तोड़ा है और अभी भी लगातार यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, सुरक्षा बल यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस तैनात है और लगातार मार्केट का आवागमन भी स्लो है। जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है। मार्केट की पूरी रौनक यहाँ पर गायब है। देख लीजिए किस तरह से लोगों ने अपने मकान को तोड़े हैं और लोग यहाँ से अपने रिश्तेदार के यहाँ जिसका जो हिसाब है उस हिसाब से यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। क्योंकि जब घर पर बुलडोजर चल जाएगा कुछ बचेगा नहीं तो लोग यहाँ पर करेंगे क्या। कुछ साथी यहाँ पर मौजूद भी हैं, एक दो लोग जो अभी भी अपनी दुकानों को मकानों को ठेलिए से रिक्शे से खाली कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। यहाँ पर एक दुकानदार अभी मौजूद हैं, पूरी उनकी दुकान हुआ करती थी, उनकी पूरी जीविका इसी दुकान से चलती थी, बगल में जूते की दुकान थी। अब जब इस तरह का आदेश आ गया है बुलडोजर चलने का तो अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो अपनी जीविका चलाएंगे और आगे जो परिवार है किस तरह उनको पालेंगे। चाचा क्या नाम है आप? हमारा नाम मोहन है। लेकिन हम क्या बताएंगे, सबके साथ होता है, वो हमेशा तो होगा। परेशान है, बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि जब परेशानियों ने घेर लिया है तो ये सोच रहे हैं बात करने से कोई हल इसका निकलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी हमारी सहानुभूति इनके साथ है, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या बिजनेस ये करते थे। चाचा क्या बिजनेस आप करते थे? रेडीमेड चप्पल जूता की दुकान किए थे। बहुत मायूस है, आँख में आंसू भी है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो बताइए चाचा क्या परिवार में कौन कौन है आपके? हमें दो परिवार अपना है और दो बच्चे हैं, ये लड़की है, 5 लोग हम पूरे परिवार से। तो ये बताइए जो आपकी जीविका चलती थी, परिवार का पालन पोषण होता था, जो भी खर्चे निकलते थे वो इन्हीं दुकानों से पूरे होते थे? हाँ, तो और कौन काम था, यही काम था, यही काम कर रहे। जब आदेश आया कि बुलडोजर चलेगा तो किस तरह का जो है दुख हुआ आप लोगों को? अरे दुख हुआ तो क्या हुआ, हम सब लोगों को हो रहा, तो हमें भी हो रहा, क्या करें। जो है परिवार के लोग सब अंदर सब परेशान होंगे। हाँ, तो वो तो परेशान होंगे कि जो मकान बना बना टूट रहा, तो वही क्यों क्यों नहीं परेशानी बिल्कुल होगी। अच्छा कितने दिनों की ये मेहनत थी जिस पर बुलडोजर चलने जा रहा? ये तो काफ़ी दिन की मेहनत थी। जो है कितना समय लगा था इस आसियाने को बनाने में? ये पान लगा के और जो है पान लगा के दुकान खोल के इसमें को घर बनाया जाता है, बस यही खर्चा चल सकता है। बाकी ये तो कुछ था, पिताजी ने जब इस्पायर हुए थे तो वैसे बनवा लिए, तो बाकी कुछ नहीं। घर में औरतें किस तरह सब परेशान हैं? तो परेशान हैं, लेकिन फिर क्या कोई सोचा भी नहीं। कहाँ जाएंगे अब? अब कहाँ जाएंगे, टूट जाएगा जब वो भी देखा जाए, सब भागेंगे जहाँ जाएंगे वही हम भी बसेंगे कहीं बाग वाग में, और कौन उपाय है, कोई उपाय नहीं। क्या नाम चाचा? हमारा नाम मोहन जायसवाल है भाई। मोहन जायसवाल जी हैं आरोपी का जो घर है उसका एक घर छोड़ के तीसरा घर इनका है। ये इनकी दुकान है, यहाँ पर पान लगाने का काम किया करते थे और इन्हीं काम से इनकी जीविका चलती थी, घर परिवार पलता था। और ये काम इनका कोई आज का नहीं था, पान लगा कर ही सोचिए, एक पान वाला पान लगा कर इस तरह का आशियाना बनाता है और एक झटके में जब वो आशियाना तहस नहस हो जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं एक बार मार्केट का हाल भी आपको दिखा दूं किस तरह से, ये देख लीजिए मार्केट का यहाँ पर हाल है। पूरी दुकानें सब टूटी फूटी पड़ी हैं, लोग अपने हाथों से चैनल गेट टीन सेट सब निकाल कर लिए जा रहे हैं यहाँ से, जो जहाँ पा रहा है वहाँ जा रहा है। कुछ लोगों के तो रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिनके यहाँ रिश्तेदार भी दूर दराज हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी मुश्किल है। अब ये देखने वाली बात होगी इस बुलडोजर एक्शन में गरीबों का कितना नुकसान होता है। और सूचना ये भी मिल रही है कि 15 दिन की राहत इनको हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है, और 15 दिन की राहत कितनी काम आती है। बहराइच के मासीगंज क्षेत्र से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।